ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਦਾ अस्सलाम वालेकुम औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं अरसलान कियानी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी। कहा जाता है कि इंसान अल्लाह की दी गई नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। अल्लाह जब किसी शख्स को किसी चीज़ से महरूम रखता है तो बदले में उसको ऐसी सलाहियत से नवाजता है कि जो किसी पढ़े लिखे और बशऊर इंसान में भी नहीं होती। हमारे यहाँ भीख मांगना लोगों ने पेशा बना रखा है और अक्सरियत माजूर लोग सड़कों और चौराहों में भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, मगर कुछ ऐसे भी माजूर लोग हैं जो खुददार और मेहनती हैं, जो अपने फ़न के ज़रिए रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। आज मैं जिस घराने में मौजूद हूँ, तीन भाई नाबीना हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसी सलाहियत से नवाजा है, ऐसे फ़न से नवाजा है कि जो अपने सुर और तरन्नुम के ज़रिए लोगों के दिलों में घर करते हैं और खित्ता पोटोहार में मशहूर हैं। आज हम जानेंगे उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चार भाई, जिनमें से तीन भाई नाबीना हैं और उनमें से दो नाबीना भाई जो शादीशुदा भी हैं और जिनके बच्चे भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनके पास ये फ़न कैसे आया, उन्होंने कैसे सीखा, ये जादुई आवाज़ उनके पास कैसे आई, उन्होंने कितनी मशक्क़त, कितना रियाज़ किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इसरार अली। हम आपको सुनते रहते हैं, माशाल्लाह आप जिस अंदाज से गायकी करते हैं, जिस अंदाज से आप सुर लगाते हैं, सुनकर दिल महसूस हो जाता है। तो इस वाले से बताएं कि आप ये कब से सीख रहे हैं और ये कब से गा रहे हैं? ये तो मैंने बचपन से सीखना शुरू किया था वालद साहब से अपने म्यूज़िक। अच्छा, तो आपके उस्ताद आपके वालद हैं? जी जी। नहीं, वालद साहब उस्ताद तो नहीं हो सकते, वो वालद हैं। 5 साल उनसे म्यूज़िक की तालीम ली है, फिर उन्होंने कहा कि बेटा उस्ताद ज़रूरी हैं। तो फिर वो हमारे अब्बू के चचाजाद भाई थे, वो उनसे फिर मैंने म्यूज़िक सीखा। आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर इस मुकाम पे, बस आप लोगों की दुआ। आप कब से नाबीना हैं तीनों भाई? पदेशी नाबीना हैं हम लोग, तीनों भाई जो हैं। हम वैसे 8 भाई हैं, तो 3 नाबीना और 5 ठीक हैं। आपको कभी ये नहीं हुआ सोचा कि अल्लाह ताला ने हमें आवाज़ से नवाजा है, काश हमारे पास रोशनी होती तो आप आज हम एक बुलंद मकाम पे होते, आज हमारा पूरी दुनिया में नाम बोलता? नहीं, इस तरफ कभी जहन नहीं गया मेरा, क्योंकि इसलिए नहीं गया जहन मेरा कि वो जब लोगों को देखते हैं ना, सुनते हैं, देखना क्या है, सुनते हैं तो लोगों के हालात सुनते हैं, तो हम अल्लाह पाक के आगे यही आरज़ू करते हैं कि यार ये बहुत अच्छा किया कि हमें इस चीज़ से महरूम रखा है। तो आप शादीशुदा भी हैं? जी जी, शादीशुदा हूँ, एक बेटी है। तो आप अपने मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, गुज़र बसर किस तरह होता है? इसी तरह फंक्शंस इवेंट्स में जाते हैं और वहाँ से जो आप कमा के लाते हैं उससे अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम जाते हैं इवेंट्स पे, वो हमारा इसके ऊपर गुज़र बसर होता है। माशाल्लाह आप हारमोनियम इतने मज़े से बजाते हैं कि बंदा सुनता है तो जी चाहता है कि सुनता ही रहे। तो आप ये बताएं, कभी आपको शौक़ नहीं हुआ मैं इस खित्ते से बाहर निकलूं, इंडस्ट्री में जाऊं, अपना नाम कमाऊं? कभी आपको शौक़ नहीं हुआ, आप निकले नहीं? नहीं, निकलना तो चाह रहा था लेकिन कोई ऐसा मिला ही नहीं है जो हमें बाहर लेकर जाता। अच्छा, तो आप निकलना चाह रहे थे, आपको ऐसा कोई नहीं मिला? आपका गुज़र बसर ईज़िली हो जाता है, कोई मशक्क़त होती है इस लिहाज से? नहीं, मुश्किल तो होती है, काफ़ी मुश्किल होती है। अभी 2-3 माह हो गए हैं, काम नहीं है, तो ये तो ज़री सी बात है, मुश्किल वक्त गुजर रहा है।
आप आला हुकाम से, हुकूमत वक्त से कोई मुतालबा करना चाहते हो? क्योंकि ऐसा हुनर अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है जो किसी किसी के पास होता है। लोग मुशक्क़त करते हैं, रियाज़ करते हैं, लेकिन इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते जिस मंजिल तक आप हैं। माशाल्लाह, गायकी की दुनिया की अगर हम बात करें, आप सुर से वाकिफ़ हैं, तार से वाकिफ़ हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो आप कभी नहीं, आप क्या आप पैगाम देना चाहते हैं आला हुकाम को? नहीं, हम हुकूमत वक्त से तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग किराए पर रहते हैं, तो ये मैं अपनी बात नहीं करूँगा। जो जितने भी मज़दूर लोग हैं उनको हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए इस बात पे कि उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए हमें, और उनको ये करना चाहिए, और हमारा ये हक भी है। अच्छा हाफिज़ इसरार साहब, आप जब अक्सर देखते हैं, लोगों ने हमने सुना भी है कि जब आप जाते हैं गलियों में, जाते हैं रोड्स पे जाते हैं, और आपको अंदाज़ा भी हो जाता है, अल्लाह ताला ने दिल की रोशनी से नवाजा है, आपको अंदाज़ा भी हो जाता है फ़लाँ जगह पे जंप है, फ़लाँ जगह पे टर्न होगा, फ़लाँ जगह पे घर है, तो ये आपको कैसे अंदाज़ा हो जाता है? चूँकि मेरी पैदाइश भी कोहटा की है, तो छोटे छोटे से थे, जहरी सी बात है, अब इतनी उम्र हो गई है 42, तो इतना तो अंदाज़ा जहरी सी बात है हर चीज़ का हो जाता है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि कोई शागिर्द आप रखते हैं, किसी को आप आगे सिखाते हैं, इस फ़न को आप आगे ट्रांसफ़र करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट हों, मैं किसी को सिखाऊं। जो आते हैं वो भी एक हफ्ता एक महीना लगाते हैं, वो फिर भाग जाते हैं। क्या वजह, क्यों भाग जाते हैं? आप कोई सख्त उस्ताद तो नहीं है? नहीं, मैंने कभी ऐसा स्टूडेंट के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे उस्ताद टीचर म्यूज़िक बहुत अच्छे मिले हैं। आज दिन तक उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं डांटता। लेकिन बस वो मुश्किल काम है ना ये, तो ये वो ये समझते हैं कि यार बहुत ईजीली है ये, तो हम ईजीली कर लेंगे, लेकिन है ये बहुत मुश्किल। अच्छा हाफिज़ इसरार साहब, मैंने अक्सर आपको देखे, आप मोबाइल उठाते हैं, नंबर डायल करते हैं, कॉल करते हैं, आपको कॉल आती है, आप कॉल रिसीव करते हैं, आप नाबीना हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सलाहियतें आपके पास कैसे हैं? ये तो अल्लाह पाक की तरफ से है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ दिया अल्लाह पाक का है। मेरे पास जो भी है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है ये उस। बहुत शुक्रिया जी, ये हाफिज़ इसरार साहब थे। जी हाफिज़ इसरार साहब, हमारे नाज़रीन को भी अपनी गायकी के ज़रिए कोई पैगाम दें, कोई अच्छा सा सॉन्ग उनको डेडिकेट करें। चलें जी, मैं एक दूसरा फतेह अली खान साहब का सॉन्ग है, वो पंजाबी का, वो एक दो अंतरे अंतरा के एक स्थाई अंतरा सुनाता हूँ आपको। चरखे दी मिठी मिठी खू माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी खू माया मैनू याद आवदा, मेरे दिल विच उठ दी हूक माया मैनू याद आवदा, मीठी मीठी खू मेरी दीवाला चन कदों चढ़ेगा चढ़ेगा, चन कदों चढ़ेगा चढ़ेगा, अल्लाह जाने माही कदों बेड़े बढ़ेगा बढ़ेगा, दुख डाडे ने ते चिंदड़ी मलूक माया मैनू याद आवदा, सुन करके दे मीठे मीठे कता पूड़िया ते हंजू मेरे वगदे वगदे, कता पूड़िया ते हंजू मेरे वगदे वगदे, हुण हासे भी नहीं
मैनू चंगे लगदे लगदे जान छड़िए विछोड़िया ने भूख माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक माया मैनू याद आवदा मेरे दिल विच उठ दिए हूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक। जी नाज़रीन, हाफिज़ इसरार साहब ने जब कुछ सुनाया तो मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी अपने नाज़रीन को कुछ सुनाऊं और आपके दिलों को महसूस करूं, तो कोई गलती हो जाए तो माफ़ी का तलबगार हूं, तो मैं भी आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। अल्लाहु 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 ये जमीन जब न थी आसमां जब न था ये जमीन जब न थी ये जहां जब न चांद सूरज न थे ये आसमां जब न था राजे हक भी किसी पर आया जब न था राजे हक भी किसी पर आया जब न था जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो अल्लाहु 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 अल्लाहु। नाज़रीन, तो एक और हमारे भाई नबीना हैं, हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, इनसे भी जानेंगे इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीद अली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप ढोलक नवाज़ हैं, इतनी अच्छी ढोलकी बजाते हैं कि जी चाहता है कि सुनते रहें, ये हुनर आपके पास कैसे आया, किससे सीखा? ये हुनर जी मेरे भाई तबला बजाते थे बचपन में, मैंने सुनता था तो मुझे भी शौक़ आया। अच्छा, सुन सुन के आपको शौक़ आया, फिर आपने फॉलो किया और माशाल्लाह आज आप जब ढोलकी बजाते हैं तो यकीन जाने के दिल महसूस हो जाता है। बस भाई, ये अल्लाह की देन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत वक्त ने या कोई भी हुकूमत रही हो उसने आपको कोई इमदाद की है? कोई नहीं। या मजदूर कोटे से भी आपको कोई इमदाद मिली हो? नहीं भाई। कभी आपने कोई रुजू नहीं की, आपने नहीं गए उनके पास, उनको नहीं कहा कि हमें इमदाद दीजिए? रुजू तो बहुत करते हैं भाई, मगर कोई हमारी सुनता कब है। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को, इमरान खान को? हुकूमत पाकिस्तान से हमारी यही इल्तमास है कि हमें अपना, चलो बहुत नहीं तो छोटा सा घर ही दे दें कि ताकि हमारी किराए से हमारी जान। अच्छा, आपका घर भी नहीं, आप किराए पर रहते हैं? किराए पर हैं। ये देखें नाज़रीन, ये किराए पे रहते हैं, तो हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि ये जो मज़ूर हैं, नाबीना हैं, अल्लाह ने इनको जो सलाहियतें अता की हैं वो किसी किसी में होती हैं, इनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, इनका तआवुन करने की, इनके साथ मुआवनत करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि जितना हो सके इनके साथ तआवुन करें और इनका साथ दें। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि मज़ूर कोटे से जितनी हो सके इन भाइयों की इमदाद की जाए, मदद की जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए।
लाख मजबूरियां और हालात की सख्तियां क्यों ना हों, खुददार और गैरतमंद दस्ते सवाल दराज नहीं करते। जज्बाए खुददारी हो और एहसास गैरतमंदी हो तो इंसान अपनी दुनिया आप पैदा करने का हुनर सीख लेता है। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि ऐसे नाबीना अफराद जो कि अपने बीवी बच्चों समेत किराए के मकान पर रहकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, उनकी कफालत के लिए इकदामात बुरोएकार लाए जाएं। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। उसाफ डिजिटल के साथ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए उसाफ डिजिटल।